बहुत दुख की बात है कि हमारे भारतवर्ष में हम ही महिलाओं का कोई स्थान नहीं है, हम ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई बात नहीं करता है। मोदी जी का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पहले वो अपने विधायकों से अपनी पार्टी के संगठन से तो बेटियों को बचा लें। मेरा ये संदेश है भारतवर्ष को, पूरे भारतवर्ष को, कि हम महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, ना कि आरक्षण की बात करें, ना तो जातिवाद पे जाए। सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि हम महिलाओं को लेकर जो सुरक्षा उनको देनी चाहिए, प्रदान करनी चाहिए, जो कानून बनने चाहिए वो नहीं है, वो होना बहुत ज़रूरी है। मैडम अभी एक छोटी बच्ची है जो जम्मू कश्मीर का है और आप ये उन्नाव का कांड है कि छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। एक तरफ कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिए, ये तो उन्नाव और कश्मीर का मामला आपके सामने आया है, अभी जोधपुर में भी एक 4 साल की 5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, बिहार में रेप हुआ, रोहिणी में रेप हुआ, वो कहाँ मीडिया दिखा रही है? वो भी नहीं दिखा रही। और ना जाने ऐसे कितने केस होते होंगे जो मीडिया दिखाती ही नहीं है, मीडिया तक पहुँचते नहीं है। तो मेरा ये संदेश, मैं लेकर ज्ञापन जा रही हूँ 23 तारीख को प्रधानमंत्री जी के पास कि हमारी सुरक्षा के लिए उन्होंने क्या सोचा है उसके विषय में हम लोगों को बताएं, क्योंकि हम महिलाओं का जीना मुश्किल हो गया है। मेरी भी 2 साल की बच्ची है, मैं भी सोचती हूँ कि अगर मुझे घर से बाहर निकलना है तो मैं किन सुरक्षित हाथों में उनको देकर जाऊँ जिससे मेरी बच्ची का फ्यूचर भी सिक्योर रहे और सेफ्टी रहे। और एक तरफ कहा जाता है कि महिलाओं को हम पूर्ण अधिकार दे रहे हैं, महिलाओं कोई अधिकार, जी जी जी, कोई अधिकार कोई सम्मान नहीं है। क्या सम्मान है ये? हम बेटियों को रोंदा जा रहा है, चार चार राक्षस एक छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर गंदगी कर रहे हैं, दरिंदगी कर रहे हैं। वो आपने सुना होगा ना, जैसे दुर्गा माँ ने स्वयं रूप लिया था काली का असुरों का वध करने के लिए, उसी तरीके से हम महिलाओं को भी अब काली का रूप धारण करना पड़ेगा इन राक्षसों का वध करने के लिए। एक तरफ करते हैं, एक तरफ कहते हैं कि हम राम राज की बात करते हैं, उसी राम मंदिर के अंदर उस बच्चे की पीड़ा क्या वो भगवान नहीं सुन रहे थे जिस समय उस बच्चे के साथ ये दरिंदा इतना घिनौना हरकत कर रहे थे? देखिए, ये कलयुग है, भगवान कहाँ, भगवान स्वयं उतर के नहीं आएंगे। हम लोगों के अंदर मानवता खत्म हो गई है, भगवान ऊपर से उतर के कैसे स्वयं आ जाएंगे? ना मैंने भगवान को देखा, ना आपने भगवान को देखा, मानवता हमने देखी है। हम लोग भी इतने बड़े हुए हैं और हम आजाद घूमते थे, तब ऐसा कुछ नहीं था। आज से 20 साल 25 साल पहले आप देखिए, ऐसा कुछ सामने नहीं आता था, हमने कभी रेप नहीं सुना था। बट नाउ, अब आपकी स्थिति आप देखें, आए दिन रेप की खबरें आ रही हैं, लड़कियां सुरक्षित नहीं है, डर लगता है लड़कियों को बाहर भेजने में। लेकिन आज अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं तो यहाँ जो सरकार है, इस समय वर्तमान सरकार है, पुलिस को आगे करके उन पर लाठियां चार्ज करवाती हैं, उन पर तरह तरह के आरोप लगाते हैं और तरह तरह की धाराओं के तहत उन्हें बंद कर दिया जाता है। गूंगी सरकार है, गूंगा प्रशासन है, अंधी सरकार है। मोदी जी अंधे हो गए हैं, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि हम महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। हमारी छोटी छोटी बच्चियों को रोंदा जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है। मैम बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपको बोलना है वो, हमारा देश गूंगा हो चुका है, बहरा हो चुका है, और कानून में जैसे पट्टी बंदी होती है ना काली, उसी तरीके से हमारे देश की सरकार पे काली पट्टी बन गई है। उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है हम महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, और अब कब उन्हें दिखाई देगा? क्या हर एक घर से सड़ेआम लड़कियों को निकाल के रेप किया जाएगा? तब प्रधानमंत्री जी देखेंगे। एक तरफ कहा जाता है कि जो मंदिर के अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं जिन्हें पार्लियामेंट के अंदर कानून बनाने चाहिए, आज वो कानून की जगह और जो भगवाधारी हैं वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो मंदिरों के अंदर घंटा हिलाने की बात करते हैं, कभी पकौड़े बिकवाने की बात करें, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पकौड़ा बिकेंगे, उनका व्यापार है। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो ये सब हमारी सरकार का किया धरा है ना, ये सब कुछ ही। तो ये मैं बता रही हूँ ना आपको कि कानून, सबसे ज़्यादा कानून ने गंदगी कर रखी है, प्रशासन ने। प्रशासन सिर्फ उनकी मदद करता है जहाँ पता चलता है कि हम लोग फंस जाएंगे, हमारे ऊपर क्लेम आ जाएगा, हमारी जॉब खतरे में चली जाएगी। कॉमनली आप बताइए, रोहिणी में रेप हुआ है, कहाँ मीडिया में आ रहा है? कानून कहाँ जा रहा है? कानून भी सब कहने की बात है, कोई कानून व्यवस्था नहीं है। अगर कानून व्यवस्था होती तो हमारे देश का ये हाल नहीं होता। लेकिन मैडम आप कह रहे हैं कानून व्यवस्था नहीं है, लेकिन जो कानून व्यवस्था है उसको तो पालन करने वाले ही जब भ्रष्ट हो जाएंगे तो उसको कानून को आप कहाँ उसको एक नेगलेक्ट करेंगी? सख्ती नहीं है ना, आप दीजिए ना फांसी आप उन जो रेपिस्ट के साथ। अभी 4 जजों ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और 4 जजों ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने आंसू बहाए थे कि लोकतंत्र खतरे में है। तो जजी इस तरीके की बात कर रहे हैं, जिसको कानून के रखवाले हैं वही इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो कहां से करें ना कानून व्यवस्था में परिवर्तन, करें ना कानून में चेंज करें ना। अब एक एक साल दो दो साल अगर फाइल चलती रहेगी, केस खुला रह जाएगा, तो कहां से कानून व्यवस्था कुछ कर रही है सिवाय रोने से और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोल देने से कि हमारा देश खतरे में है, देश की बेटियां खतरे में है, अनशन करने से। इन सबसे कुछ नहीं होने वाला, मैं आपको बता रही हूँ। 23 तारीख को आप जी, मैं प्रधानमंत्री जी के पास जा रही हूँ ज्ञापन लेकर, और हमारे कुछ
सुझाव हैं, कुछ मांगे हैं जो उन्हें पूरी करनी ही होगी निश्चित रूप से। तो क्या आप प्रेशर डाल के करवाएंगे या क्या? जी अभी तो हम लोग बहुत तरीके से पेश, मतलब बहुत शांतिपूर्वक करना चाहते हैं। अगर ये पूरा नहीं हुआ तो हमें जो करना पड़ेगा, काली का रूप धारण करना पड़ेगा। तो मैं शीतल वर्मा पब्लिक को कह रही हूँ कि मैं करूँगी।